तनाव जो आज जनता दर्शन लगाएंगे सीएम योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह जाएंगे। सीएम पर्यावरण संरक्षण की मुहिम शुरू करेंगे। सीएम पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों को शपथ दिलाई जाएगी। 762 नगर निकायों को भी ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे। 25 स्ट्रीट वेंडर्स को स्मार्ट कार्ड भी वितरित करेंगे सीएम। और आज संवाददाता विकास शाही और हमारे साथ सहयोगी जो है संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दौरे का जो तीसरा दिन है वो है विकास, गोरखपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनका आज का कार्यक्रम क्या है वहां पर? जी आपको बता दें, सीएम योगी के दौरे का तीसरा दिन है। सीएम योगी जब भी गोरखपुर में होते हैं लोगों के विकास और लोगों की सौगात और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उसमें जरूर शिरकत करते हैं। इसी के तहत आज जो सुबह भी थोड़ी देर के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे। प्रदेश के दूर दराज से जो फरियादी आते हैं उनकी फरियाद सुनेंगे और निस्तारण के लिए आदेश भी देंगे। उसके बाद सीएम योगी जाएंगे बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह, जहाँ पे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे। ऑनलाइन रूप से सभी प्रदेश के 58,000 नगर पंचायतों और 762 नगर निकायों को ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। उसमें मंत्री लोग भी जो मौजूद रहेंगे। तो उसके बाद सीएम जाएंगे गोरखपुर, पीएम स्वनिधि जागरूकता अभियान की शुभारंभ करेंगे। 25 स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना में ऋण चुकाने वाले वेंडर्स सम्मानित होंगे। साथ साथ जिन्होंने अधिक लेन देन डिजिटल लेन देन किया है उन स्ट्रीट वेंडर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। तो सीएम योगी के आज गोरखपुर के ये कार्यक्रम है। सीएम योगी का तीसरा दिन है और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मंदिर में रुद्राभिषेक किया है। उसके बाद सीएम जनता दर्शन लगाएंगे, उसके बाद अन्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी हमारे सहयोगी संदीप खेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के दौरे पर है और जो है स्वनिधि जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी करेंगे आज, प्रधानमंत्री स्वनिधि जागरूकता अभियान का। संदीप, देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन में अभी भी जिस तरीके की देखिए तस्वीर सामने आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखिए पर्यावरण को लेकर उनका एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें तमाम लोगों के साथ वो मौजूद रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत वो तमाम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। शाम के 4 बजे की बात करी जाए तो पीडियाट्रिक्स यानी पीआईसीयू इंटेंसिव का वो उद्घाटन करेंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन के दिन भी तमाम लोगों को वो सौगात देने का काम करने वाले हैं, जिससे लोगों को अभी से ही फायदा मिलने की शुरुआत हो जाए। पर्यावरण को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी यहाँ का माहौल अच्छा होगा। और उसी के साथ साथ देखिए पीएम स्वनिधि योजना यानी जहां एक तरफ लोगों को रोजगार से जोड़ा जाता है, जहां पर एक तरह की से लोगों के व्यापार को लेकर पीएम स्वनिधि योजना से पैसा भी दिया जाता है, और उसी के साथ साथ पीडियाट्रिक यानी बच्चों को लेकर जो आज एक यूनिट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। अपने आप में ये जो तीनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये कार्यक्रम है ये तीनों ही अहम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करने के बाद जनता दर्शन भी लोगों से मुलाकात करते हैं। मुलाकात में देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि तमाम लोगों की समस्याओं का वो निराकरण करते हुए दिखाई देते, वो चाहे गोरखपुर की बात हो त्रिशला या फिर अन्य जगहों की बात हो, लोग वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आसानी से मिल सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फोन करते हैं, तमाम लोग उनके साथ में रहते हैं। तो आज का दिन देखिए बेहद ही खास है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीसरा गोरखपुर का जहां एक तरफ दौरा है उसी के साथ साथ आज उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन को लेकर देखिए उनके जो तमाम अगर बात करी जाए, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो कह सकते हैं कि चाहने वाले लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम लोग आज उत्साहित हैं। और आज 3 सौगात जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं, जिसको लेकर गोरखपुर की जनता भी उत्साहित है। जी तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकसभा चुनाव को लेकर